अरे आ गए तुम। अरे हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। हृदय, क्या है हटो ना मेरे रास्ते सामने से। तो तू थी, मैंने तुम्हें 2 बार आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मेरे सामने के खड़े हो जाओगे? तो ठीक है, हट गया। चाप कहाँ जाना है तो? तुम्हें पहले 2 बार आवाज दी मैंने, याद है? नहीं है? कान में कुछ डाल के रखा है? मुझे सुनना ही नहीं है। क्या अब क्या ये नया ड्रामा है? कुछ बोला? लग तो रहा है कि नया ड्रामा बहुत बड़ा मचने वाला है अब। मतलब ये तो हमारे घर की ना रोज की कहानी हो चुकी है। अरे हटो, मेरे बेड के ऊपर क्यों बैठ रहे हो? कहीं और जाके बैठो या नहीं। लेट हो? क्यों लेट हो, पूछ सकता हूँ? मेरी मर्जी, पूछा है कुछ? मेरी मर्जी नहीं बोली तुम्हें? तो मेरी मर्जी मैं लेट करूं, मैं जल्दी आऊं, मैं कुछ भी करूं। बस एक बात तो बता सकते हो ना कि क्या अभी नया ड्रामा किस वजह से है? तो मैंने आपको बोला मुझे पकड़ने के लिए? लेकिन नया ड्रामा क्यों है? तो मुझे पकड़ क्यों रहे हो? अरे तो तुम पकड़ने को साइड में रखो, तुम नया ड्रामे की बात करो कि तुमने नए नया ड्रामा तुम क्यों मचा रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे दिल में क्या है? ये ज्यादा ओवर हो रहा हूँ मैं, लेकिन तुम बता दो क्या चल रहा है। तुम मेरे दिल में अभी ये चल रहा है कि आप यहां से चले जाओ। ये कोई बात करने का तरीका नहीं होता है, ठीक है? पहली बात तो मैंने बात ही नहीं की तो तरीका कहाँ से आया? अभी जो भी है, तरीका तो बिल्कुल नहीं होता बात करने का। कि तुम बातें कर रहे हो ना जो मेरे साथ में, बाहर चले जाओ एंड जो भी है, ठीक है, कोई बात के लिए नाराज भी हो सकती है, लेकिन उसको बात को तुमको क्लियर करना चाहिए ना। या तो फिर जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है? ठीक है जाओ। या क्या क्या है ये सब? मैंने बोला जाने के लिए? तरीका होता है कोई? मुझे तो बड़ा तरीका सिखाते हो हर टाइम तुम। एक गाली क्या बोल दी उस दिन तो? आपको जैसा सुनाई नहीं देता ना कुछ, ना देख दिखाई देता है, वैसे मुझे भी नहीं देता। मतलब तुम्हें एक गाली, मतलब एक छोटी सी गाली, वो तो इतनी बड़ी तुम्हें गाली लग गई है ना? गाली गाली होती है, वो छोटी सी दो कि बड़ी सी दो? तो ये लैंग्वेज लैंग्वेज होती है, जो छोटा हो या बड़ा हो या फिर कैसी भी बात करते हो तुम, ठीक है? तो मैंने हिंदी में ही बोला, अलग लैंग्वेज में नहीं बोला। तो मैंने कब बोला कि तुमने इंग्लिश में बोला भाई? तुम बिन बात के झगड़ रख रहे हो, बिन बात के तुम्हारा मतलब। मैं झगड़ कर रही हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ कुछ। लेकिन आवाज भी तो तो आपकी मुझे ऊंची तो हो रही बात है। ही नहीं करनी है, तो मैं नहीं कर लेकिन रही। ठीक लेकिन श्रुति, बात आपकी मतलब आवाज भी तो ऊंची होती जा रही है ना। है, मैं धीरे से बोलती हूँ। तुम्हारे पास गहने उतारने टाइम है, तुम्हारे पास मतलब सारी चीजों का टाइम है, लेकिन मेरी चीज का आंसर देने में टाइम नहीं है आपके पास? कि मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें, कि तुम नाराज भी हटो, रहे? अलमारी के सामने से हटो, बैग रखने दो मुझे। पकड़ लूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं यहाँ, कसम से। तुमसे मैंने बोला ना पकड़ना नहीं है। पूछ कर थोड़ी ना करूंगा यार सारी चीजें। मैं परमिशन लूंगा हर चीज की, सुहा रहा देखे जो परमिशन लूंगा तुम्हारी। और मुझे बताया कि तुम्हारी वीकनेस कहाँ है तो, ठीक है? ये सब रही कुछ तो तुम्हारी, मैंने ही बता के रखी है। अब ये रही तुम्हारी वीकनेस, अब ठीक है? मैंने बोला ना अपने को मत पकड़ो ऐसे। क्या हरकत है? हर वीक करने की जरूरत है या फिर बताओगे कि नया ड्रामा क्यों मचा रखा था तुमने?
फिर और प्यारे तरीके से मैंने तुम्हें सिर्फ विक वो ड्रामा मचाया ना जो आपने मचाया। अरे अब निकल रहा है धीरे धीरे मुझसे और शायद जाओ ऐसे चले जाओ जाओ। बताओ क्या हुआ है। मैं क्यों बताऊं, मुझे सुनाई नहीं, जैसे आपको सुनाई नहीं देता ना कुछ, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। तुमने बता दो कुछ हुआ पूछा मुझसे, सुनाई नहीं दिया। तो हुआ क्या है वो तो पूछ रहा हूँ तुम्हें। मैं मैंने आपको कितनी बार कॉल किया? टू थ्री टाइम 4 टाइम 5 टाइम यार बस उससे ज्यादा नहीं किया होगा शायद। आपको सुनाई दिया, दिखाई दिया। उठाया था बोला ना कि ऑफिस में बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ सुनते कहा हो तुम फिर उठाया नहीं कॉल क्या करूँ मैं। तो अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो मैं कोई इम्पोर्टेंट काम से कर रही होंगी। वाइफ घर पे है नहीं, वाइफ बाहर है, तो उसका कोई रीजन होगा ना कॉल करने का बाहर से। अरे यार जब मुझे पता है कि वाइफ फ्रेंड के साथ है सेफ अगर फ्रेंड है के साथ जरूरी हूँ तो मैं जी, मुझे कुछ हो नहीं सकता। नहीं है लेकिन तुम अलग चीज पर लगा के रखे थे कि वीडियो कॉल करो एंड मुझे ड्रेस बताओ कौन सी ड्रेस ये कोई हद होती है क्या। मतलब तुम वहां जाके मेरे मन से ड्रेस लोगे क्या और तुम्हें पसंद भी खाती है कहाँ मैंने आती बस मेरी। बोला कौन सी, मैं बस इतना सा बताना है। लेकिन तुम्हें पसंद भी कहाँ आती है मेरी चॉइस। आज तक तुमने मेरी चॉइस का कुछ पहना है बता दो मुझे तुम सिंपल। ये जो रिंग पहनी है ना मैंने, ये आपकी चॉइस की है। नेकलेस भी फिर पहनती नहीं मैं। इतनी बड़ी जो शुरू थी ना वही तो मेरी पसंद की है और क्या चाहिए। बस एक ही चॉइस अच्छी थी आपकी लाइफ में। ओहो खुद की मुझे खुद की तारीफ नहीं मिस। अगर मेरा फोन उठा लेते तो क्या हो जाता? तुम बिन बात की जिद कर रहे थे उसके बाद मैंने मैसेज किया कि सब ऑल मतलब ठीक है क्या तो तुमने हाँ बोला। तुम तो मैं तो हाई बोलूंगी ना, मैं क्या बोलूंगी? अपने कॉल नहीं उठाया तो मैं बर्बाद होगी। उसके बाद मैंने रिटर्न 5 मिनट बाद कॉल किया जब तक तुम शॉप से बाहर निकल चुके थे किया हाँ है तो नहीं फिर किया। मैंने नहीं दूसरा उठाया, मैं क्या उठा, मैं तो बाहर आ गई थी। क्या कॉल तुमने उठाया नींद में हो क्या। दूसरा कॉल तुमने उठाया था। उठाया था ना, बात की थी ना, तो फिर खुश रहो ना, तो सर खा लो मेरा। जरा इधर आओ तुम। लेकिन तुमने ना एक बड़ा अच्छा काम करके रखा है लाइफ अगर में। आपने मेरा फोन उठा लिया होता तो क्या तो तो जैसे आपका ही भला होता। कि जैसे कि अगर आपने मैंने फोन उठा लिया होता, आपने वो मैसेज देखा। अच्छा ना ठीक है ठीक है, क्या ये क्या था फिर ये क्या था मैसेज देख लिया था ना, फिर बताना मुझे। अच्छा ये क्या था मतलब बताना मुझे जरा मैसेज में क्या है। तो अभी तो चार्ज भी नहीं फोन ऑफ हो गया। मैंने फोन उठा लेते तो मैं सारे के क्या सारे ड्रेस उठा के नहीं लाती, तो आपका पैसा बच जाता। सूती तो फोन नहीं उठाया ना तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा घाटा मतलब इतना घाटा कर गया इतने सारे ड्रेस क्या करोगे कितने ड्रेस लाए हो तुम सीरियसली। आपने उठाया नहीं, मुझे तो सब पसंद है ना, तो मैंने सब ले लिया। सीरियस हो तुम तो बिल्कुल सीरियस हूँ, मैसेज देख लेना, कार्ड सा आया होगा। मैं तो रहो यार बहुत खुश हूँ, ठीक है? अब आपने दूर फोन रहो। उठाया नहीं तब रो बैठ के। अरे अरे यार दूर रहो यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना मुझे हट। तुम्हारे तो नेक पर तो किस बिल्कुल भी नहीं करना। अरे अरे गुस्सा हो गए। धोती है मतलब इतनी कोई शॉपिंग करता है या हस्बैंड 1-1 रुपया जोड़ रहा है 1-1 रुपया मतलब बचा रहा है बेचारा। कौन सा पैसा बचाया? हाँ दो दो जो शूज खरीद के लाए हो एक साथ, वो भी सेम टू सेम दिखती है। अरे तो वो तो ऑफर में चल रहा था ना तो मेरा भी ऑफर ही था, समझ लो। 2-3 दिन तक ठीक है। तुम तो कितने लेकर आए हो। ये कुछ 5-6 होगा। 5-6 ऐसे बोल दो जैसे कि हम मतलब कभी शॉपिंग करने जाऊंगी ही नहीं। हद होती है हर चीज की हर टाइम नहीं बता हर टाइम। शॉपिंग करने तो मैं जाऊंगी, दोबारा जाऊंगी, पर फिर वो रिटर्न हो जाएगा। अरे ये सब छोड़ो ना अभी ना ये सारी चीज का ना गुस्सा मैं बाद में कर लूंगा लेकिन अभी ना मुझे तुम्हारे
मुझे ना तुम्हारी वीकनेस पर और ज्यादा काम करना है। मतलब चाहते हो कि मैं वीक पड़ जाऊं? और ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, मुझे इसे चेंज ये भी करने उन्हें में ट्राई भी करने हैं, क्या करना इसे ना, कपड़े ट्राई करने हैं, ना इसे ना पहन के तुम्हें देखना होगा ना। चुप रहो तुम, इसे ना मुझे चेंज करने में ना तुम्हारी हेल्प करनी है अभी, ठीक है? मेरी कोई हेल्प नहीं करते। अभी मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है? ये कपड़े चेंज करने में, हाँ तुम बिना तो ही मेरे को बोलोगे। पहन के दिखाओ, और हाँ मेरे सामने, हाँ चलेगा, ठीक है, आप मुझे 15 मिनट बताओगे ना मैं कौन सा बता दूँ। वैसे बिल्कुल चलेगा। तो मैं सब ले लिया है, पर अगर कोई अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको रिफंड कर सकती हूँ। हो जाएगा ना रिफंड, फिर तो टेंशन नहीं है। नहीं, पर मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी है पैसा तो बर्बाद हो, रिफंड करूँगी वो पैसा वापस नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। करते रहने वही शॉपिंग साल तक। अच्छा, देखना है। अच्छा, अगर से मेरे सामने कोई चेंज करे तो फिर गुस्सा नहीं करूंगा मैं। तुम देख लो, ऑफर बुरा नहीं ऐसा है, तो नहीं बोला मैंने, बट ऑफर बुरा नहीं है, अगर से मेरी डांट खानी हो मैंने बात। वैसा बोला ही नहीं। आप नहीं बाहर जाओ, मैं पहन पहन के ना आऊंगी। ना 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 ना, अगर से किसी को डांट नहीं खानी होगी तो फिर मेरे सामने चेंज कर ले, सिंपल है। मैं क्यों डांट खाऊंगी? मुझे डांटा डांट ही लगता है। और तो मुझे तो पता है कि सामने वाले झूठ बोल रहा है, सामने वाले 2-3 ड्रेस से ज्यादा लाया ही नहीं होगा, मुझे पता है सामने वाले जो तो इतना ठीक है, आप गिन लेना। मुझे ना तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, पता है बहुत मुझे भी ज्यादा, खुद पे बहुत भरोसा है कि मैं 7-8 तो लाई होंगी। मुझे नहीं इतना से भी भरोसा। चलो लगी शर्त, कितने की? पैसे सर, तुम बेकार में क्यों लगा रहे हो? मैं तो खुद लाई हूँ, मुझे तो पता ही है। तो लगा लो इतने एक ही ने तो, लेकिन पैसा तो मेरे बर्बाद होगा, दोनों तरफ से मैं हारू या जीतू। उससे अच्छा एक काम करो, बहुत जोरों की भूख लगी है तो क्या, तो खाना खिला दो यार, हट। पर खाना तो फ्रिज से निकालना पड़ेगा ना, पर तो निकालो, गरम करो, कुछ खिला दो, भूख लगी है मुझे क्या? तो पहले चेंज करना है ना, तो आप जाके देख लो खाना। हाँ तो चेंज करके, तो मैं देखने नहीं वाला, मैं हॉल में बैठा हूँ, तुम जल्दी से चेंज करके जल्दी चले आओ यार प्लीज। कुछ तो काम कर लिया करो। अरे यार तुम खामोश हो यार, पहले तो लेट करा देते हो, फिर अभी तो अच्छा है कि मूड से जरा हट चुका हूँ मैं, वरना अभी यहाँ अटके रहता ना, फिर समझ आता तुम्हें कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। क्या ठीक है, क्या 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 क्या, क्या? कुछ नहीं।